फ्रेंड्स, मैं हूँ लीला। लीला की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक, वो भी तीन सामानों से, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ 2 पैकेट ओरियो बिस्किट, बेकिंग सोडा और दूध। तो सबसे पहले हम ओरियो बिस्किट निकाल लेते हैं और इसका क्रीम हम अलग कर लेंगे एक बाउल में। बिस्किट से क्रीम अलग कर दी हूँ। अब इसको मैं, चाहे तो आप इसको मिक्सी में पीस सकते हो। मैं एक पॉलीथीन ले ली हूँ और इसमें सारी बिस्किट मैं डाल दी हूँ इस तरह से। इसको हम बेलन से के सहायता से अच्छे से इसको पीस लेंगे। इस तरह से मोटा वाला झिल्ली होगा आपके पास, तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इस तरह से इसको कूट लेंगे और बेलन के सहायता से अच्छे से इसको चूरा कर देंगे पूरे चिकना। तो हमें ओरियो को इस तरह से पीस लेना है बिल्कुल बारीक। और ये 2 पैकेट था और 2 पैकेट में 40 बिस्किट था ये। तो हमें इसके हिसाब से दूध लेना है, ले लेना है। तो सबसे पहले हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, हमें 1 चम्मच भर के छोटा चम्मच में बेकिंग पाउडर डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर दूध डालेंगे। दूध को हम थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा गाढ़े भी नहीं करना है। बिस्किट के हिसाब से हम दूध लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और दूध हमारा 200 ml था। पहले तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हम अच्छे से इसको अच्छे से हमको इस तरह से मिलाना है। और बस जरा सा दूध बच गया है 200 ml में, तो बस इसको क्रीम हम डाल देंगे। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा केक का बैटर तैयार हो गया है। हम इस तरह से हमको बना लेना है। तो जिसमें हम केक बनाने वाले हैं, हमको इस तरह से बर्तन ले लेना है। आपके घर में है तो आप इस तरह से बर्तन ले लेना है, या तो केक पैन में भी आप बना सकते हो। तो इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। अब हमें 1 बटर पेपर ले लेना है और इसी साइज़ में हमको केक पेन के साइज़ में काट के इसमें लगा देना है। और जैसे आपके पास बटर पेपर नहीं है तो हम एक कॉपी का पेज लेंगे और इसी साइज़ में हम काट लेंगे। और इसमें मैं तेल लगा दूंगी और ये बटर पेपर का काम करता है। अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से हम चारों तरफ तेल लगा देंगे। और एक केक पैन में हम इस तरह से इसको डाल देंगे। और ये हमारा केक का बैटर है, इसको हम डाल देंगे। केक का बैटर डाल दी हूँ और इस तरह से हमको ढककर ले लेना है, ताकि थोड़ा सा गैप बचना चाहिए। तो हमको, मैं ढक्कन में ढाक दी हूँ।
और जिसमें मैं केक बनाने वाली हूँ। आज तवे में केक बनाने जा रही हूँ और हमें लोहा का तवा ले ली हूँ और ये तवा हमारा एकदम प्लेन है तो इसमें मैं केक का बैटर रख दी हूँ। और गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखेंगे 40 से 50 मिनट तक, तब तक के मैंने केक पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पे 50 मिनट हो गया है, मैं ढक्कन निकाल के देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ हुआ कि नहीं है। एक बार मैं और चेक कर ली थी 40 मिनट में तो नहीं हुआ था, तो 10 मिनट के लिए और रख दी थी तो अच्छे से मतलब बेक हो गया है। तो चेक कर लेते हैं टूथपिक में, तो इसको मैं देख लेती हूँ हुआ कि नहीं अभी भी, तो एकदम साफ आ रहा है क्लीन। तो इसको मैं ठंडी होने के लिए रख देंगे और इसको गैस से उतार लेंगे। ठंडी हो गई है, अब इसको एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। इसका पेपर निकाल देते हैं, मैं बटर पेपर निकाल दी हूँ और हमारा चॉकलेट केक बहुत ही अच्छी बनी है, देख सकते हैं। तो इसमें मैं गार्निश करने के लिए मेरे पास चॉकलेट सिरप है, उसको मैं डाल रही हूँ। फैलाते हैं, इसको डाल लेना है, चाहे तो आप और इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ा सा बचा था, उसी में मैं गार्निश कर रही हूँ। और इसमें हम चॉकलेट का बुरादा भी करके डाल सकते हैं। और मैं ये 3-4 ओरियो बिस्कुट का टुकड़ा कर ली हूँ और इसको मैं डाल दे रही हूँ। इस तरह से हमको सजा लेना है। तो इस तरह से बना के आप ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी बनी है ये बिस्कुट का चॉकलेट के। देखिए मेरा केक बनके बिल्कुल रेडी है, तो बहुत अच्छी बनी है। तो आप घर में इस तरह से आप बना के ज़रूर ट्राई करिए, और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।